और इनको जो है लव कुश का जन्मभूमि जन्मस्थली यही जगह को बोलते हैं। अच्छा अच्छा यही जगह और जगह तो कमाल के है। और ये जो है ये जो नदी है आपको तुरतुरिया जो धाम है उसके एकदम सामने ही मिलेगा। ये रही महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया। ये देखिए ये पूरा ये जगह है। लग रहा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं तुरतुरिया धाम। वर्णा परावरण सीमा समाप्त। धन्यवाद पुनः पधारे। पूछते हैं यहाँ पे तुरतुरिया धाम यही है रेखा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुरतुरिया धाम। और किधर से जाना है मंदिर के लिए तो देखना पड़ेगा। मातागढ़ इस साइड पे है और मंदिर इस तरह का है। ये रही मंदिर है। ये देखो ये पूरा इलाका है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुरतुरिया धाम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव कुश के जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो है महर्षि वाल्मीकि जी का भी आश्रम है। यहाँ पे ऑब्वियसली जन्म लिए थे लव कुश जी। तो फाइनली पहुँच चुके हैं और पीछे जो है हमने बाइक खड़ी कर दी है मंदिर के सामने, जो आश्रम है उनके सामने ही। बट एक बार पीछे आया हूँ ताकि ये जो जगह है वो आपको अच्छे से दिखा पाए। तो ये है आपका तुरतुरिया धाम और ये है पूरा मेन चौराहा। अभी हम लोग इस तरफ से आए हैं। ये पड़ता है आपके बरनावापारा साइड का एरिया है। यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर में आपका बरनावापारा है और ये है कुछ इलाका। ये आपका थोड़ा सा मार्केट एरिया हो गया और उस तरफ नदी है, उस तरफ भी आपको ले के चलेंगे। और ये देखिए ये इस तरफ से एक रास्ता गया है, ये निकलता है कसडोल किले जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर है। और इस तरफ है आपका आश्रम और ये जगह आप देखिए कितना खूबसूरत है। और जैसे कि मैंने आपको रास्ते में ही दिखाया, रास्ता भी एक नंबर था और जो डेस्टिनेशन है वो भी एक नंबर है। और इस तरफ का इलाका आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो अब चलते हैं सामने की तरफ और यहाँ पे आते हैं ना तो आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे, प्रसाद के हो गए, नारियल के हो गए। ये देखिए और यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है। और इस तरफ है आपका महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया। ये देखिए और इधर ऊपर की तरफ भी सीढ़ी गई हुई है। देखते हैं ऊपर जाके देखेंगे कि क्या देखने को मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है आपका तुरतुरिया तपोधाम। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी खूबसूरत है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम इस तरफ है और गोमुख तुरतुरिया और ये इलाका आप पूरा देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी खूबसूरत। और इस तरफ कुंड बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कुंड। और वहाँ पे आप देख सकते हो दो मूर्ति आपको बगल में नज़र आएंगे और वहाँ पे जो है गाय का मुंह बना हुआ है, उसके अंदर से पानी निकल के आ रहा है। नज़दीक से आपको दिखाएंगे। और ये रही महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया। ये देखिए ये पूरा ये जगह है। तो सबसे पहले जो है आपको कुंड में ले चलते हैं। इधर भी देखिए इधर भी पानी निकल रहा है और यहाँ कुंड में भी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे आपको शिवलिंग मिलेंगे
और इस साइड देखिए यहाँ पे एक मूर्ति है और उस साइड भी मूर्ति है और बीच में यहाँ पे गाय का मुंह बना हुआ है जिससे पानी निकल रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत। और ये पूरा कुंड है, ऊपर से पानी आ रहा है देखिए ये। और अभी चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले आते ही हमें मिले हैं शनि महाराज जी, ये देखिए यहाँ पे है शनि महाराज। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम राइट पे आपको मिलेंगे शिवलिंग। ये देखिए ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, काफ़ी पुरानी शिवलिंग है। और आज नवरात्र का शुरुआत है जिसके कारण ये देखो ज्योत का भी जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरा दिए वगैरह में देखिए तेल डाला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ है बजरंग बली जी झूले में, और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो नारियल बंधे हुए हैं। ये सारे जो है मन्नत के नारियल है, ये देखिए पूरा। और ये है बाहर का व्यू, बाहर से अंदर से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं। और इस तरफ बाबा जी का मूर्ति बनाया गया है, और बता रहे थे कि ये जो बाबा है ये पहले यहाँ पे पूजा करते थे, परम पूज्य बाबा जी, ये देखिए। और इस तरफ देखिए यहाँ अंदर में विराजमान है माँ काली, ये देखिए। तो लाइट की कमी है क्योंकि आज लाइट ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दर्शन कीजिए माँ काली जी का, ये देखिए। और बगल में बजरंग बली माँ दुर्गा है, और ऊपर में गणेश जी, और इधर जो है शंकर पार्वती जी का फोटो लगा हुआ है, ये देखिए। और बाहर की तरफ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अनोखी और प्राचीन मूर्ति है जिसमें को जो है पत्थर को तराश के बनाया गया है, और इनको जो है सीता माता के रूप से जो है पूजा जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ज्योत का कार्यक्रम जो है वो चालू है, इस तरह भी देखिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई सा तो देवी है, और देखने पे तो ऐसा लग रहा है माँ अम्बे के जैसे लग रहे हैं देखने में। और इस तरफ भी आपको दिखाते हैं, इस तरफ भी देखिए यहाँ पे शिवलिंग है, और इस तरफ पूरा जो है कलश, ये देखिए। तो ये सब जो है नवरात्र का आज पहला दिन है जिसके कारण जो है ज्योत का कार्यक्रम शुरू की जा रही है। और यहाँ पे है बजरंग बली जी, देखिए। तो लाइट की कमी है ना जिसके कारण सही से आपको दर्शन हो नहीं पा रहे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लैश थोड़ा सा ऑन करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए। और यहाँ पे भी ज्योत जलने वाले हैं, और इस तरफ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए भैरव बाबा, तो यहाँ पे आप भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और इस तरफ जो है आपका कलश। तो काफ़ी बढ़िया दिन में अपन पहुँचे हैं जहाँ पे नवरात्र का पहला दिन है, और महर्षि जी का आश्रम आज हम लोग घूम रहे हैं। तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, और इस तरफ देखिए इस तरफ भी सीढ़ी गई हुई है, इस तरफ भी मंदिर है, और इस तरफ भी आपका मंदिर है। और ये देखो ये पूरा ये मंदिर का, और यहाँ पे है जय श्री राम, राम लक्ष्मण और माता सीते जी का ये मंदिर, ये देखिए। और यहाँ पे है हनुमान जी, तो ये पूरा मंदिर है देखिए। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए राम लक्ष्मण और माता सीते का, और उनके सामने ही यहाँ पे आपको देखिए सेंटर में है माता सीते, इधर है लव और इधर है कुश, ये देखिए। और इस तरफ भी देख सकते हो,
ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी हैं, और ये बीच वाला ये है, और यहाँ पे लवकुश, ये देखिए। तो ये हो गया पूरा मंदिर है, और इस पे भी देख सकते हो ये है पूरा यहाँ पे कलश। यही था ना आश्रम कि और ऊपर में है? अच्छा यही है आश्रम, मेन आश्रम। तो ये था महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम जहाँ पे लवकुश जी का जन्म हुआ था। ये पूरा ये वही आश्रम है, और इस तरफ आपको दिखा दें, ये देखिए जय बजरंग बली। यहाँ पे भी आपको शिवलिंग मिलेंगे, ये देखिए। ऋषियों का रहना एक जगह निश्चित नहीं कहा गया। अच्छा। सर्प शेर साधु ये चलायमान होते हैं। सर्प शेर साधु साधु ये तीनों का एक ही अक्षर से नाम है। तो ये अब कहिए कि ये वाल्मीकि आश्रम यहाँ कैसे हुआ? तो ऐतिहासिक रूप में चार आश्रम माना गया है। चार आश्रम, सर्वप्रथम चित्रकूट, दूसरा मोसी जगह कानपुर है कानपुर के पास, और तीसरा जो है भगवान राम की शादी जहाँ हुई जनकपुर में, वहाँ पर वो तीसरा आश्रम है, क्योंकि शादी में ये साकोचार पढ़ने गए थे। अच्छा। सब ऋषि महर्षि ही जाते थे। आज तो बारात में आप लोग, आज के बारात में लोग तो वो क्या जाते हैं, वो समय के लोगों में ऐसा ऐतिहासिक। तो और चौथा आश्रम ये जब भगवान के वनवास की अवधि समाप्त हो गई, तो उसके बाद पुनः सीता जी को वनवास की बात आई, तो उस समय चित्रकूट से चल करके वाल्मीकि जी यहाँ तक आए थे, और दोबारा सीता जी का आश्रम मतलब यहाँ निवास हुआ, तो इसलिए इसको वाल्मीकि आश्रम कर। और इनको जो है लवकुश का जन्मभूमि जन्मस्थली यही जगह। अच्छा यही जगह। यहाँ पे मंदिर हमने पूरा दर्शन कर लिया। इधर है आपके काली माता शनि देव जी, और यहाँ पे महादेव भैरव बाबा, और ऊपर में हमने दर्शन किया माता सीते का। फिर हम लोग गए थे लवकुश जी का दर्शन करने, फिर सीते माते का दर्शन किया, राम लक्ष्मण जी का दर्शन किया, और ये हो गया पूरा आपका मंदिर। और इस तरफ है आपका यज्ञ कुंड, इधर जो है आपका यज्ञ कुंड है। और ये जगह तो है भाई, मतलब कितना खूबसूरत है। एक मिनट दिखाएंगे। ये आपका पूरा यज्ञ कुंड है, देखिए यहाँ पे जो है इस मंदिर का यज्ञ होता है। और ये हो गया यज्ञ कुंड। आज होना है ना यज्ञ? आज यज्ञ होना है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, और ऊपर में पूजा अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, फिर उसके बाद जो है जोत भी जलेंगे, और यहाँ पे यज्ञ भी होने वाला है। और इस जगह के बारे में बात करें तो ये आपका जो है, अगर कसडोल साइड से आते हैं तो लगभग 22 से 23 किलोमीटर पड़ेगा, बरनवापारा साइड से आते हैं तो लगभग 15 से 16 किलोमीटर कुछ पड़ेगा। और ये है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम तुरतुरिया धाम। तो ये हो गया आश्रम जो हमने आपको दिखाया। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, ये सीढ़ी गई हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाती है और ऊपर में हमें क्या देखने को मिलता है। और इस तरफ का आप इलाका देखिए कितना खूबसूरत है। और जैसे कि आपने रास्ते में देखा, ये जो जगह है वो पूरा जंगल के अंदर में है, तो आते हैं ना तो थोड़ा सा संभल के आइए। और काफ़ी खूबसूरत है यार, मतलब जगह के बारे में तारीफ़ करें उतना ही कम है।
और ये इलाका देखो पूरा है ना खूबसूरत। तो ये ऊपर में आए हैं, ये छोटा सा भवन बना हुआ है देख सकते हो, और इसमें क्या कलाकारी किए हैं लोगों ने वो देखो, इतना सुंदर जगह को लोगों ने पूरा बिगाड़ के रखा है। तो ये ऊपर का नज़ारा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पूरा चट्टान है, पेड़ पौधे हैं देखिए, और सांसें पूरा चढ़ चुकी है। तो चलिए आप नीचे चलते हैं क्योंकि ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, आप सीधा जो है आपको नदी की ओर लेके चलते हैं और उस तरफ का दिखाते हैं, फिर यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। तो इधर हमने जो है वाल्मीकि जी का आश्रम देखा और इस साइड है आपका नदी वाला एरिया। चलिए ये पूरा जो इलाका देख पा रहे हैं ना, ये नदी वाला एरिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इस तरफ पूरा जो है दुकानें हैं, ये देखिए ये पूरा दुकानें हैं इधर, ये देखिए, और ये रहा नदी आपको दिखाता है, और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पिकनिक मनाने। तो इस तरफ देखिए ये पूरा इलाका जो देख पा रहे हैं ना, ये है पूरा पिकनिक पॉइंट यहाँ का, और इस तरफ जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये पूरा जो है दुकानें वगैरह है, और देखो कितना खूबसूरत है ये नदी, और नदी में पूरा पानी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा पानी है नदी में, और अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुआ है तो इतना पानी है सोच सकते हो, और जब बारिश होता होगा तो ये तो पूरा उफान पर रहता होगा, ये देखिए। और उस तरफ लोग जा रहे हैं, पता नहीं उस तरफ क्या है देखिए, और ये जो है ये जो नदी है आपको तुरतुरिया जो धाम है उसके एकदम सामने ही मिलेगा। तो ये हो गया पूरा तुरतुरिया धाम या महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कह सकते हैं इसको, और इसी के साथ ये जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।